अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैजान, क्राउन सीमेंटेशन किस किस को आती है? आज वो देखेंगे हम कि कैसे करते हैं। पहले जो आपको जो अब तक पता है वो सबको यही पता है कि बस के अंदर GIC लगाएं, कोई भी किस्म का क्राउन हो, और वो मुंह के अंदर फिट कर दें आप। डेंटिस्ट्री इवॉल्व कर गई है तो मटेरियल भी नए आ गए, आपके क्राउन्स भी नए आ गए, सीमेंट भी नए आ गए। सीमेंट अलग अलग कलर्स के आते हैं जी, तो ये नहीं हो सकता कि आपका क्राउन बार बार निकल रहा हो। सुनते हैं ना काफ़ी दफ़ा वो इसलिए निकल रहा है, पहली बात तो आपका क्राउन प्रेप ही अच्छी नहीं थी तो आप पूरा सीमेंट पर रिलाई कर रहे थे, और सीमेंट की क्वालिटीज़ अपग्रेड हो गई हैं लेकिन आप नहीं हुए, तो वो अपग्रेड जो हुई है उसको लगाने का तरीका भी अलग है। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले जब आपके पास लैब से क्राउन आएगा तो आप उसको ट्राइन करेंगे मुंह में, ये देखने के लिए कि क्या इसको हमने सीमेंट करना भी है या अभी भी इम्परफेक्ट है क्राउन वापस आएगा। आप मुंह बिठा के देखेंगे, आप फ्लॉस करेंगे इंटेंडेंटली, आप उसके हाई स्पॉट चेक करेंगे और ओवरऑल साइज और शेप और कलर देखेंगे। अगर सही है तो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। पहला स्टेप ये कि जो आपका क्राउन आया हुआ है हमने उसको प्रिपेयर करना है, तो उसमें पहला स्टेप ये होता है कि हम उसको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से एच करते हैं। एक्चुअली ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से एच होके ही आता है लेबॉरेटरी से, लेकिन जब आपने मुंह में ट्राइन किया है तो इम्प्योरिटीज़ और थोड़ा सलाइवा और कुछ चीज़ें उसके ऊपर आ जाती हैं, तो उसके जो एचिंग हुई भी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो आपको दोबारा एच ऊपर से क्लीन करने के लिए दोबारा से हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से एच करना पड़ता है। इसको फिर आप वॉश करेंगे, फिर इसको आप ड्राई करेंगे 5 सेकेंड्स के लिए, उसके बाद इस पर आप बॉन्डिंग एजेंट लगाएंगे और 10-15 सेकंड के लिए रब करेंगे इसको। इसके बाद उसको थोड़ा सा ड्राई कर लें ताकि सॉल्वेंट जो है वेपोरेट कर जाए और कोई रिपल्स नज़र ना आ रहे हो। स्टेप टू में हम दांत को प्रिपेयर करेंगे। दांत को प्रिपेयर करने का पहला स्टेप हम उसको एच करेंगे, वही जो एचेंट आपके क्लिनिक पे होता है 37% फॉस्फोरिक एसिड। एच करने के बाद हम इसको वॉश करेंगे और फिर 5-8 सेकेंड्स के लिए एयर मारेंगे ताकि देख लें कि ऊपर कोई पानी तो नहीं रह गया, एचेंट तो नहीं है। नेक्स्ट स्टेप हम दांत के ऊपर बॉन्डिंग एजेंट लगाएंगे और 15-20 सेकेंड्स के लिए दांत के ऊपर ओवरऑल रब करेंगे। इसके बाद उसको थोड़ा सा ड्राई कर लें, इसको हम क्योर करेंगे फिर, और फिर इसको क्राउन को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप ये कि सीमेंट लेंगे आप, मेरे पास ये वाला है, ये ड्यूअल कोर है, लाइट से भी होता है और सेल्फ क्योर भी होता है। इसको आप क्राउन के अंदर डालेंगे और क्राउन को सीट करेंगे मुंह के अंदर। आप फिंगर से प्रेस करेंगे उसको ताकि एक्सेस सीमेंट निकल जाए और क्राउन सही तरह बैठ जाए। उसके बाद को आप 1-3 सेकंड के लिए क्योर करेंगे, ये पूरा क्योर नहीं होगा लेकिन इतना क्योर हो जाएगा कि आप एक्सेस सीमेंट आराम से निकाल लें। कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट से मैंने प्रोब यूज किया, आपने एक्सेस सीमेंट निकाल लें। इसके बाद आप फ्लॉस यूज करेंगे तो जो भी एक्सेस सीमेंट इंटेंडेंटली रह गया वो भी निकल आएगा। नीजल भी करेंगे ऑफ कोर्स एंड डिस्टल भी करेंगे। एयर्स ड्राई करें। अब आप हर साइड को 20 सेकेंड ईच क्योर करेंगे, ओवर क्योर करने का कोई नुकसान नहीं है, तो हर साइड को आप एटलीस्ट 20 सेकेंड्स के लिए क्योर कर लें, अच्छी तरह वॉश कर लें। देयर यू हैव इट, एंड आपका क्राउन बहुत अच्छी तरह सीट हो गया है, कोई एक्सेस नहीं है, कोई हाई स्पॉट नहीं है, एंड यू डन। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।